ओली बाइक्स में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज हमारे पास है TVS रेडार 125 और हमारे पास है इसके ओनर गणेश जी। तो हमारे दर्शकों को अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम ओनरशिप करने वाले हैं इसका। तो गणेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने TVS ब्रांड ही क्यों चुना? जैसे कि हीरो की भी आती है 125R, तो आपने दूसरे ब्रांड्स क्यों नहीं चुने? नहीं, फिलहाल तो बाकी भी ब्रांड हीरो होंडा हीरो वो चला लिया हूँ गाड़ी। ओके, ये अभी नया ब्रांड है, कुछ नया अलग से लग रहा था इसके लिए ये लिया। तो मतलब कुछ आपको मतलब इसमें अलग लग रहा था इसलिए आपने ये लिया? 125 में वो मॉडिफिकेशन है पूरा, मतलब वो स्पोर्टी बाइक दिया है इस वजह से लिया। ओके, और मतलब अभी आपने जब ये मतलब कितना आपको ऑन रोड इसका हो गया था पड़ा था? ऑन रोड 1,15,000 में मतलब पड़ गया था। और आपने मतलब ऐसा नहीं सोचा कि मुझे स्कूटी ले लेना चाहिए या फिर दूसरी? नहीं, स्कूटी का तो मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, और वो ज़्यादा स्लिप होती है और हाँ, मैं पहले से बाइक चलाता हूँ, इसके लिए फिर बाइक ही ले ली। ओके ओके, तो फिर आपको डिलीवरी में मतलब कितना टाइम लगा था? कितने टाइम? नहीं, जो बोला वो टाइम में दे दिया डिलीवरी। मतलब कितना? हाँ, मतलब तो भी एक हफ्ते में मिल गया। अच्छा, एक हफ्ते में डिलीवरी मतलब आपको मिल गई थी। हाँ। तो सर, मैं अभी ये पूछना चाहूंगा कि मतलब इसका जो हेडलाइट है वो अच्छा विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है नाइट के टाइम पे जब आप चलाते हो? हेडलाइट का लाइट दिया है बराबर, लेकिन जो विजिबिलिटी चाहिए नाइट में वो थोड़ा कम लग रहा है। मतलब नाइट में उतना विजिबिलिटी प्रोवाइड? मुझे ऐसा लगा कि एक्स्ट्रा लाइट लगा लूँ। अच्छा, मतलब नाइट में विजिबिलिटी के लिए? विजिबिलिटी के लिए। और जो पासिंग के लिए जो लाइट दिया है वो अगर हेडलाइट बंद रहेगा तो ही पासिंग मिलता है। अच्छा, और हेडलाइट ऑन करेंगे तो पासिंग, हेडलाइट चालू करेंगे तो पासिंग लाइट ऑन नहीं होता। एक बार दिखा सकते सर हमारे ऑडियंस को? ओके, एक बार हेडलाइट पे हम दिखाते। ये हुई हेडलाइट चालू, ये बंद हो गई, ये चालू हुई। अभी ये देखो, मैं प्रेस कर रहा हूँ पासिंग के लिए, लेकिन पासिंग नहीं बता रहा है लाइट। अभी मैं हेडलाइट बंद करता हूँ और देखो पासिंग दे रही है, ये फॉल्ट है। अगर हेडलाइट चालू है और स्पीड में है गाड़ी तो मुझे पासिंग चाहिए सामने वाली गाड़ी से, तो मैं नहीं कर सकता हूँ वो। सिर्फ हॉर्न पे नहीं होता है ना? बराबर, कभी कभी वो हॉर्न नो हॉर्न जोन भी रहता है तो वहाँ हाँ, 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 तो हॉर्न नहीं बजा सकते, तो पासिंग के लिए वो हेडलाइट में पासिंग नहीं मिल रही, तो वहाँ पे एक मतलब एक फॉल्ट है। एक नॉर्मली फॉल्ट है ये। तो मतलब ये मतलब नाइट में विजिबिलिटी भी उतना प्रोवाइड नहीं हो पा रहा? हाँ, नहीं हो रहा है। और ये इसमें एक डिफॉल्ट है? हाँ, फुल डार्क, जो एरिया फुल डार्क है तो वहाँ पे विजिबिलिटी होता है। मतलब अभी मुझे है स्पेक्स है, मैं चश्मा लगाता हूँ तो मुझे वो जितनी शार्पनेस विजिबिलिटी चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। ओके, इसके लिए एक्स्ट्रा लाइट लगाना पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है। सो मतलब लाइट का इसका एक फॉल्ट हो गया। उसके बाद ये जो इसके जो टायर्स है, क्या टायर्स अभी स्लिप होते हैं जब आप चलाते हो रोड पे? नहीं नहीं, टायर्स के बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो बराबर दिए। कि टायर का सेक्शन आपको थोड़ा कम लगा कि थोड़ा बड़ा सेक्शन का टायर होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बराबर दिए टायर। टायर्स मतलब प्रॉपर अभी चल रहे हैं। अभी रेनी सीजन तो आएगा, तो रेनी सीजन को तो हम बोल नहीं सकते कि रेनी सीजन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। भी वैसे भी मैं बाइक चलाता हूँ, वो टायर के मामले में तो मालूम पड़ता है ना, मतलब टायर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके ब्रेक्स कैसे हैं? मतलब डुअल, इसमें डुअल चैनल आते हैं कि मतलब? डुअल मतलब कैसे दिया है, आगे वाला जो डिस्क ब्रेक दिया? अच्छा, है आगे डिस्क के पीछे ड्रम ब्रेक दिया। ओके, तो अगर मैं पीछे का भी ब्रेक दबाता हूँ तो सेम टाइम में आगे का भी लग जाता है नॉर्मली। ओके, हाँ, वन टाइम दोनों ब्रेक, कॉम्बी ब्रेकिंग मतलब आप लगा देते हैं? कॉम्बो ब्रेक। तो मतलब ब्रेक्स इसके अच्छे लग जाते टाइम पे कि कॉन्फिडेंस आ जाता आपको कि गाड़ी रुक जाएगी? परफेक्ट है, ब्रेक ब्रेक और टायर में भी परफेक्ट है। ओके, और मतलब अभी इसका जो अभी ये सस्पेंशन जो है, हाँ, सस्पेंशन आप क्या बोलोगे, सस्पेंशन कैसा है? एकदम फर्स्ट क्लास है सस्पेंशन, लेकिन जो स्पीड ब्रेकर आते हैं तो वहाँ पे स्टैंड, जो गाड़ी के नीचे जो स्टैंड एग्जॉस्ट, हाँ स्टैंड, अच्छा स्टैंड, हाँ डबल स्टैंड वाला, हाँ, जो पार्ट है नीचे, हाँ, वो स्पीड ब्रेकर में लगता है। वो तो मतलब आजकल स्क्रैच होता है हर गाड़ी में, वो तो मेरा भी अंडर बेली NS है तो वो भी ठुक जाता है नीचे। तो नहीं मतलब अगर गाड़ी स्पीड में होगी तो फिर क्या होगा, फिर तो अपने लॉस है। ऐसे नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा वो गैप ज़्यादा बढ़ाना जरूरी था। बाकी मोनो सस्पेंशन एकदम सॉफ्ट है, जो रेयर सस्पेंशन है पीछे का बहुत अच्छा। और आगे का सस्पेंशन कैसा आप बोलोगे? नहीं नहीं, वो भी बराबर है, जैसे मेरी पहली बाइक थी वैसे ही है, सेम है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है सस्पेंशन वाइज। फिर आपको मतलब कोई अभी प्रॉब्लम नहीं आ रहा? नहीं नहीं। और अभी इसका जो आई थिंक जो 10 लीटर का टैंक कैपेसिटी है, थोड़ा सा वो कैपेसिटी बढ़ा देते तो बहुत अच्छा था।
तो इसका अभी 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 जैसे कि ये गाड़ी अभी बहुत ही नई बाइक है, अभी तक आई थिंक वो 400 किलोमीटर चली होगी। हाँ, 450 किलोमीटर अभी तक गाड़ी चली, तो कितना आपको अभी तक एवरेज निकाल के दे रही गाड़ी? अभी तो मुझे ये बात तो अच्छी निकाली आपने, तो कम से कम 50 तो चाहिए था। अच्छा, 125 तो मेरी है भी पहले वाली गाड़ी, तो वो 55 देती है। ओके, सिटी में, हाईवे में जाऊंगा तो फिर 60 के करीब देती है। तो अभी 125 वो भी मैं चला रहा था, ये भी मैं नया लिया हूँ, तो हाँ। फिर उसमें वो थोड़ा माइनस पॉइंट लगता है। तो कितना अभी निकाल के दे रही है? मतलब अभी 46-47, मतलब अभी तक 46-47 दे रही सिटी में। हाँ, और हाईवे पे आई थिंक 50 देती होगी। हाँ, 48-49 तक आ जाएगी हाईवे पे। हाँ, मतलब आई थिंक फर्स्ट सर्विस के बाद तो ऑलरेडी बढ़ेगी, हो जाएगा फर्स्ट सर्विस लगता है। अभी देखेंगे, अभी मेरा फर्स्ट सर्विस हुआ नहीं है। अच्छा, तो अभी 46 का बाकी है, वो 46 का भी आपको माइलेज मिल जा रहा है। हाँ। अभी मैं भी ये पूछना चाहूंगा कि अभी इसका जो इंजन परफॉर्मेंस है, तो वो उससे आप सेटिस्फाइड हो कि मतलब जो कंपनी क्लेम करती है वैसा है? इंजन का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ट्रैफिक होगा, गाड़ी स्लो भी हो जाती है ना, तो वो ऑटो दिया है इसके वजह से वो बीच में रुकती भी है। अच्छा, मतलब इंजन बंद हो जाए, मतलब इंजन हीट की वजह से बंद? नहीं नहीं, हीट की वजह से नहीं, वो नॉर्मली उसको दिया है फंक्शन कि वो स्लो होती है गाड़ी, तो विद इन 1 सेकंड या 1.5 सेकंड के इसमें बंद हो जाती है। हाँ, अच्छा, तो मतलब इंजन रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है अभी? नहीं, वैसे तो प्रॉब्लम नहीं आता है, थोड़ा सा रेस देना पड़ता है। अच्छा, तो फिर वो चालू रहती है गाड़ी। और इसमें कुछ हीटिंग इशू अभी तक आपने फेस किया? नहीं नहीं, अभी नई गाड़ी है तो थोड़ा बहुत हीट तो होगी, मतलब नॉर्मल हीट जो नॉर्मल होती है वैसी हीट हो रही है। और ऐसा कुछ मतलब अगर आप ज्यादा लोअर गियर पे चला रहे हो तो कुछ ज्यादा ही हीट हो रही है, ऐसा कुछ है अभी? नहीं नहीं, वैसा गाड़ी का प्रॉब्लम कुछ है नहीं इंजन के बारे में। इंजन के बारे में? हाँ। और अभी इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, तो अभी इसका बिल्ड क्वालिटी रिलेटेड अभी आप क्या बोलोगे? बिल्ड क्वालिटी भी सही दिया है कंपनी ने, थोड़ा सा ये साइलेंसर थोड़ा सा बाहर निकला है, थोड़ा साइलेंसर मतलब इसका थोड़ा बाहर आ रहा है। हाँ हाँ, ओके। वो कभी कभी बहुत ही अर्जेंट में चला रहे वगैरह, तो कटवट मार रहे हो कभी, हाँ, तो कभी वो दिक्कत आ सकती है, तो लग जाता है वो। हाँ, मतलब वो दिखता है, दिखने में भी दिखता है कि वो थोड़ा सा क्रॉस है, बाहर क्रॉस है। ओके, हाँ, वो दिख ही रहा है, मतलब थोड़ा बाहर है वो, तो मतलब ट्रैफिक में जब हम चलाते हैं तो वैसा थोड़ा स्ट्रक्चर में वो कैसा है, वो पैरेलल दिखना चाहिए, वैसा नहीं दिखता है, ऐसा थोड़ा सा ऐसा क्रॉस बाहर आया हुआ दिखता है। स्क्रैचेस वैचेस अगर आपको अभी तक कुछ हुआ है? नहीं नहीं नहीं, स्क्रैचेस वैचेस अभी तक कुछ मतलब बराबर है सब? नहीं, हेडलाइट अगर वो अच्छी देते तो बहुत मजा आता, मतलब हेडलाइट देखने से हम लोग को लगा कि लाइट इसकी होगी शायद। हाँ, लेकिन उतनी है नहीं, तो मतलब लाइट रिलेटेड आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं थोड़ा सा। और अभी अगर आप हाईवे पे चला रहे हो तो इसका हाईवे पे पिकअप कैसा है, मतलब अच्छे से? पिकअप अच्छा है हाईवे पे, अच्छी पिकअप है इसकी? पिकअप पे, पिकअप के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं, पिकअप भी अच्छा है, दिक्कत तो एवरेज वाली है, हेडलाइट वाली है। तो ये TVS रेडार 125 का कॉन्सोल है, फुल्ली डिजिटल कॉन्सोल आता है एंड मॉडर्न सेट है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल इंडिकेटर बता देगा, ओडोमीटर है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ट्रिप 1, ट्रिप 2 यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, यहाँ पे रेंज बता देगा, यहाँ पे आपको RPM मीटर है, यहाँ पे आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर है, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर है, बीच में आपको आपको टाइम मिल जाएगा, एंड ये आपका पूरा जो है डिजिटल कॉन्सोल मिलता है इसमें। और यहाँ पे एक पावर फीचर भी है, तो यहाँ पे इसका जो अभी RPM है वो 6000 RPM पे लॉक है, फर्स्ट सर्विस के बाद ये 9000 RPM पे ये इसका पावर मोड जब ऑन होगा तो 9000 RPM पे ये परफॉर्मेंस दे पाएगा, अभी एको मोड पे चल रहा है, मतलब 6000 पे ही ये चलेगा गाड़ी। तो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सोल। तो सर आपको अभी इसका डिज़ाइन कैसा लगा बाइक का? ये गाड़ी का डिज़ाइन देख के ही गाड़ी लिया है। अच्छा, इतना अच्छा डिज़ाइन था आपने, मतलब तो डिज़ाइन के मामले में आप बहुत ही? नहीं, वो डिज़ाइन देख के ही गाड़ी चॉइस किया है। वो स्पोर्टी लुक दिया है और अपने बजट में भी है, तो मतलब डिज़ाइन आपको बहुत अच्छा लगा इसका। और इसका जो सीटिंग पोस्चर आपको कैसा लगा? सीटिंग पोस्चर कि बैक वैक में पेन कुछ आता है? नहीं नहीं नहीं, एकदम कंफर्टेबली सीटिंग पोस्चर है इसका, मतलब गड्ढे वड्ढे ज़्यादा फील होते हैं आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सस्पेंशन दिया है वही एकदम फर्स्ट क्लास है, मतलब सस्पेंशन भी इसका बहुत फर्स्ट क्लास है। वो अभी कोई इंसान अभी गाड़ी लेने जा रहा है जैसे कि अभी उसके पास बजट है, तो उसको ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? वो कितना चला चुका है गाड़ी उसके एक्सपीरियंस पे भी बनता है वो। ओके, अभी कोई नया लेने वाला होगा तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि यही गाड़ी लो? नहीं, अगर वो सोच रहा है कि नो उसको थोड़ा बाइक ही लेना है उतने बजट में, तो जैसे कि अभी हीरो एक्सट्रीम 125 है ना, तो फिर वो ले सकता है, कोई भी ले सकता है। और अगर कुछ कैच हो कि ये नो ये सब देख के आप लेना गाड़ी, तो कैच भी आप एक बार बता दीजिए। ऐसा मतलब किसी को
गाड़ी के बारे में बुरा बता के गलत नहीं, मतलब जो जेनुअन है कि जेनुअन है तो वही जो स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी लगती है नीचे के साइड में तो वही जेनुअन। और एक हेडलाइट का आपने बोला, हेडलाइट का वो कौन सा, मतलब कोई आदमी ज्यादा बाहर गाड़ी लेके नहीं जाता है तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। मतलब सिटी के अंदर ही ज्यादा चलाने वाला होगा तो उसको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, मतलब लॉन्ग टूर के लिए थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। नाइट विजन में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नाइट राइड मतलब उसके लिए आपको उसका एक्स्ट्रा हेडलाइट लगाना पड़ेगा, थोड़ा मतलब पावर लाइट का ज्यादा पावर लेना पड़ेगा उसको थोड़ा हेडलाइट में। तो मतलब ये थे गणेश जी और दिस वाज द ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ टीवीएस रेडार 125। हमारे दर्शकों को अपना टाइम देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक बार आपको बोलना चाहूंगा कि एक बार आप एग्जॉस्ट जरा सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, एग्जॉस्ट साउंड टीवीएस रेडार का। तो ये था टीवी और रेडार का एग्जॉस्ट साउंड, और आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा एग्जॉस्ट साउंड था, मतलब लगता ही नहीं 125 सीसी की गाड़ी है। तो गाइज आज का ओनरशिप रिव्यू इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे 1000 सब्सक्राइबर गाइज होने वाले, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, बाय बाय।